नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉम्फ्रेट तवा फ्राई की डिश। ये एक कांटे की मछली है, इसे खाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए मिलकर प्रॉम्फ्रेट फ्राई बनाना शुरू करते हैं आपकी रसोई में। प्रॉम्फ्रेट फ्राई बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ी 400 ग्राम की प्रॉम्फ्रेट ले रखी है। इसके ऊपर मैंने ये बीच बीच में अंदर हड्डी तक गहरे कट लगा दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें मसाला लगाने के लिए 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इनका हम एक पेस्ट बनाएंगे। 1 चम्मच हमें दही, इसके अंदर गाढ़ी दही डाल लेनी है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच गाढ़ी दही मिलाई थी। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं, 1 चुटकी हल्दी डाल लेते हैं और यहाँ मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाली है। साथ ही हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेते हैं इसमें मैंने घर का बना हुआ 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला हुआ है। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस पेस्ट में हम 1 चम्मच तेल मिला लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इस पेस्ट को अच्छी तरीके से हम मछली के ऊपर लगा देंगे। तो इस मछली को कम से कम 1/2 घंटे के लिए अलग रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। प्रॉम्फ्रेट को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छी तरीके से पैन में गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम मैरिनेट करी हुई प्रॉम्फ्रेट को डाल देते हैं। जो ये हमारा मसाला चिपका हुआ है प्लेट में, उसको भी हम इसके ऊपर चम्मच से लगा देते हैं। मीडियम टू लो आंच पे ही हमें इसको अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक एक एक साइड में पकाते हुए सेकना है। इसे ऐसे ही लगभग 2-3 मिनट तक आप इसको अपनी मछली के साइज के हिसाब से सेकें और बार बार पलटी ना करें। अगर आप बार बार पलटी करेंगे तो ये टूटने लगेगी। मछली को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। मछली को इस तरफ से भी सेकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अभी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। मछली हमारी फ्राई होके तैयार हो गई है। अब हम इसे प्याज के लच्छों के साथ और नींबू के साथ सजा के सर्व करेंगे। लगी आपको ये डिश, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आपकी